What's up everyone? Welcome back to the channel. My name is Rajat Arora और अगर आप लोग चैनल पर first time आए हैं तो जाइए सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन प्लीज प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे क्योंकि हम लोग बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं रिलेटेड टू अकाउंट्स, रिलेटेड टू बिजनेस स्टडीज एंड रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 12th अकाउंटेंसी का बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर और एक ऐसा चैप्टर जो कि क्लास 11th से काफी मिलता जुलता है. जी हाँ, आप लोगों ने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा था. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां पर जो हम पढ़ते थे वो सोल प्रोप्राइटर का पढ़ते थे या फिर ऐसी कंपनीज या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का पढ़ते थे जो कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, यानी जिनका पर्पस पैसा कमाना होता था. बट अब क्लास 12th में एक ऐसा चैप्टर आपके पास है जिसमें कि आपने उन ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स बनाने हैं जिनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है, जिनका मेन एम प्रॉफिट मोटिव नहीं है, उनका मकसद है समाज सेवा करना या सर्विस मोटिव. अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, शॉर्ट में बोलते हैं एनपीओ. तो गाइज ये चैप्टर आपका 10 मार्क का पूछा जाएगा जो कि मैंने डिस्क्लोज करा था, आपको बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में. अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो. अब देखो यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो तीन क्वेश्चंस आएंगे, एक 6 मार्क का जो कि बड़ा क्वेश्चन होगा हम लोग कवर करेंगे, एक 3 मार्क का जो कि एक 3 मार्कर्स में आता है और एक 1 मार्क का जो एक थ्योरी क्वेश्चन होगा. तो इस तरीके से 10 मार्क का ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा. बहुत ही इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, तो इस चैप्टर पे आप कमांड बनाओ और ये 10 मार्क अपने अच्छे से कंप्लीट कर लो. अब हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बेसिक्स और क्वेश्चंस पे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से. तो सबसे पहले बेसिक्स में अगर मैं बात करूं तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की मैं आपको मीनिंग बता चुका हूं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन एम पैसा कमाना नहीं है, जिनका मेन एम सर्विस मोटिव है. अब इसमें कौन कौन आ जाते हैं? कुछ क्लब्स आ जाते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स आ जाते हैं और ये लोग अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं. स्कूल्स आ जाते हैं कुछ इसके अंदर. अब अकाउंट्स तो इन्हें भी अपने मेंटेन करने होते हैं, जबकि इनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है, बट फिर भी इनके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं और कुछ खर्चे भी होते हैं. तो ये उन सारी चीजों को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, कहां रिकॉर्ड करते हैं, यहां देखिए इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीन चीजें आपने पढ़नी है, एक रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट. अब ये नाम तो आपने पहले सुना हुआ है. बैलेंस शीट क्या होता है आपको पता है? ऐसा स्टेटमेंट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ को दिखाता है कि उसके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी उसकी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज हैं या कितनी लाइबिलिटीज हैं टोटल जो उसको पे बैक करनी है. ये दो नाम आपके लिए बिल्कुल न्यू है. सबसे पहला आपको पता है रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट. अब अगर रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट की बात करूं तो इट इज वेरी सिमिलर टू कैश बुक. जी हाँ, जिस तरीके से आप क्लास 11 में कैश बुक बनाते थे उसी तरीके से यहां पर जो अकाउंट बनाओगे उसका नाम होता है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट. रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट मैंने यहां पे शो करा है, सेम सिचुएशन जैसा कैश बुक में होता था. ये भी एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल आपको पता ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यानी जितने भी पैसा रिसीव करोगे वो आप डेबिट में लिख दोगे और जो भी पैसा आपके पास से जाएगा वो आप क्रेडिट में लिख दोगे. बस कैश बुक में ये पर्टिकुलर अमाउंट होता था, यहां पर ये रिसिप्ट्स अमाउंट पेमेंट्स एंड अमाउंट होगा. तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बिल्कुल सिमिलर है किससे? कैश बुक से. उसी तरीके से बनाया जाएगा जैसे कैश बुक बनाई जाती है. आगे बढ़ते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या शो करता है? कुछ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. कौन सी? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की. रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट में ऐसा नहीं था, जितना भी पैसा हमें मिल रहा था या जितने भी हम लोग पेमेंट्स कर रहे थे वो हम शो कर रहे थे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ वो चीजें आएंगी जो कि आपकी करंट ईयर की होंगी, इसी साल की होंगी. इट इज वेरी 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 सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोल प्रोप्राइटर का होता था वही एनपीओ के केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है. और इसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट है. ये सब मैं क्यों बता रहा हूं आपको? थ्योरी पार्ट के लिए, क्योंकि आपका जब प्रैक्टिकल होगा तो ये चीज एग्जामिनर पूछ सकते हैं. अब सारे के सारे एक्सपेंसेस जैसे पीएल के डेबिट में आते थे वैसे ही यहां पर भी डेबिट होंगे और सारे इनकम्स जैसे पीएल में क्रेडिट होती थी वैसे यहां पर भी क्रेडिट होंगी. बस नेम फिर से चेंज हो गया, सारे एक्सपेंडिचर अमाउंट, सारे इनकम्स अमाउंट.
आई होप ये आपको क्लियर है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में मुझे नहीं लगता हमें किसी डिस्कशन की नीड है, वही लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। एक चीज नोट कीजिए, यहां पर हमने डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट लिखा है, यहां ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में ये सारी चीजें शो नहीं होती, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, जबकि ये दोनों अकाउंट्स हैं। ठीक है गाइस, अब आई होप आपको इतना पार्ट समझ आता है। या तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर चीजों को साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़े तो कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हमने डिस्कस करनी है जो कि आपको यूजफुल होंगी इस पूरी अकाउंटिंग में। इन आइटम्स को अच्छे से नोट डाउन कर लेना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब देखो, आइटम्स को समझाने से पहले मुझे आपको कुछ छोटी छोटी चीजें याद दिलानी है जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। देखो यार, हमारे पास एक्सपेंडिचर मेनली हमने क्लास 11th में तीन तरीके के पढ़े, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सिमिलरली इनकम्स भी हमने दो पढ़ी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। यहां पर भी वो रूल यूज होने वाला है, किस तरीके से यूज होने वाला है आपने समझना है। देखो यार, जिस तरीके से हम लोग कुछ एक्सपेंस करते थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ कार परचेज करी, अगर मैंने कार परचेज करी तो उस सिचुएशन में खर्चा तो हुआ, लेकिन हम उसको एक्सपेंस ना मान के अपना एसेट मानते थे। ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि हम लोग बोलते थे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एक कैपिटलाइज होने वाली आइटम है, यानी कि इस खर्चे को करके हमें इस चीज का बेनिफिट लॉन्गर टाइम तक मिलता रहेगा। यानी कोई भी ऐसी चीज जिस पे अगर हम खर्चा करते हैं और उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता है तो हम उसको अपना एसेट बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल नेचर की चीज होती थी, हम कभी कभी उस चीज को यूज करते थे, पूरे साल भर में वो यूज नहीं होता। सिमिलरली जो रोज के खर्चे होते थे, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वो सारे के सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो जाते थे। वो हम लोग कहाँ शो करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। यानी कि सिंपल से बेसिक बात है कि अगर आपका कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि रोज का खर्चा होता है, वो हम पीएल के डेबिट में शो करते थे। और अगर कोई कैपिटलाइज्ड वाली आइटम होती थी, उसको हम कहाँ शो कर देते थे? बैलेंस शीट में। वही कॉन्सेप्ट आपने यहां भी याद रखना है। यानी कि अगर कोई रेगुलर आइटम है, रेकरिंग नेचर की आइटम है, रेवेन्यू नेचर की आइटम है, तो कहां जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और कोई नॉन रेकरिंग आइटम है या कैपिटल नेचर की आइटम है, यानी कभी कभी होने वाली है, साल में कभी एक आध बार, तो वो कहां जाएगी? बैलेंस शीट में। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई रेकरिंग बार बार होने वाली आइटम है, रोज का खर्चा था, वहां पर भी जैसे सैलरी वेजेस, वो कहां जाता था? पीएल में। यहां कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और कभी कभी होने वाला नॉन रेकरिंग नेचर, वो कहां जाता है? बैलेंस शीट। अब हमारे पास ये कुछ आइटम्स हैं, इनको आपने बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहला आइटम होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी एनपीओ के लिए। किसी भी एनपीओ के लिए जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन है क्या? देखो, किसी भी क्लब का, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने रहने के लिए हमें टाइम टू टाइम उन्हें कुछ पेमेंट करना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल, मैं किसी क्लब का मेंबर बना हूं तो मुझे मंथली या एनुअली उन्हें कुछ ना कुछ पेमेंट करना होगा, जिसको मैं क्या बोलता हूं? सब्सक्रिप्शन, ताकि वो मुझे सारी सर्विसेज दें अपनी। तो इस तरीके की इनकम क्लब के लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आ जाती है, यानी रोज उन्हें मिलता रहता है। तो सब्सक्रिप्शन कहां आएगा? डेबिट साइड में आएगा रिसेप्शन पेमेंट्स की, क्योंकि रिसिप्ट्स के डेबिट में आता है रिसिप्ट्स। और क्रेडिट साइड में आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, क्योंकि यहां आते हैं इनकम। अब सर, बड़ा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा एग्जामिनेशन में? देखो, एग्जामिनेशन में या आपको रिसेप्शन पेमेंट्स गिवन होगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन होगा। अगर रिसेप्शन पेमेंट गिवन है तो उससे आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना होगा, अगर इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है तो उससे आपको रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट बनाना होगा। वो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी मत सोचो, अभी इन चीजों को समझो। आई होप सब्सक्रिप्शन आपको क्लियर है। रोज का इनकम है तो नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया। लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? लाइफ मेंबरशिप फीस होती है जो किसी मेंबर ने या किसी इंडिविजुअल ने क्लब का मेंबर बनने के लिए लाइफ टाइम की फीस एक ही बार लमसम में पे कर दी। यानी कि यूजुअली जो फी पे करते हैं हम लोग, वो मंथली या फिर एनुअली पे करते हैं, लेकिन ये जो मिस्टर नए हैं, नए का मतलब मिस्टर एक्स हैं, जो बहुत कम लोग होते हैं, इन्होंने एक ही बार लमसम में सारी फी पे कर दी। ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस।
अब खुद सोचो कि ऐसे इंसान कितने होंगे दुनिया में जो एक ही बार में सारा पैसा देके जाएगा, बहुत कम। सिमिलरली क्लब के पास भी ऐसी इनकम बहुत कम होती है, इसीलिए हम इसको कैपिटल नेचर मानते हैं। अब कैपिटल नेचर मैंने बताया, जो भी चीज कैपिटल नेचर की होगी, नॉन रिकरिंग नेचर की होगी, कहां जाएगी? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट की कौन सी साइड में जाएगी? लाइबिलिटी साइड में। आई होप आपको क्लियर है। तीसरा आता है आपके पास एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड का क्या मतलब होता है? एंडोमेंट फंड होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया गिफ्ट या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया हुआ फंड। यानी कि फॉर एग्जांपल, मैंने किसी क्लब को कुछ पैसा दिया गिफ्ट में और मैंने उनको बोला कि आपने इससे सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनानी है, तो जब तक वो बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक क्लब के लिए वो लाइबिलिटी खड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने वो पर्पस बताया कि आपको इससे सिर्फ बिल्डिंग ही बनानी है और कुछ आप इससे नहीं बनाओगे। तो इस तरीके के स्पेसिफिक चीजें भी कैपिटलाइज करी जाती हैं, क्योंकि उसके साथ जिम्मेदारी आती है कि आप उसको कहीं और यूटिलाइज नहीं करोगे। तो स्पेसिफिक नेचर की चीजें फिर से कहां चली जाएंगी? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि नॉन रिकरिंग है, कभी कभी होगी, एज वेल एज स्पेसिफिक विद पर्पस आ रहा है। नंबर फोर, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होता है? जो कि यूजुअली क्लब का मेंबर बनते हो तो एंट्री करने पे एंट्रेंस फीस मिलती है। अब यहां पे डिस्प्यूट आता है, कई लोग बोलते हैं कि यार इंसान एंट्रेंस फीस तो एक ही बार देगा एंट्री करने के लिए, लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि क्लब के लिए तो एंट्रेंस फीस रोज ही मिलेगी ना, क्योंकि आज मैं मेंबर बन रहा हूं, कल कोई और बनेगा, परसों कोई और बनेगा, डे बाय डे मेंबर्स बढ़ते हैं, तो क्लब के लिए तो रेकरिंग नेचर है, तो कहां आना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप क्वेश्चन पे रिलाई करोगे, इसमें आपको क्वेश्चन बताएगा कि इसको कैपिटलाइज करना है या नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का आइटम मानना है। अब अगर क्वेश्चन ने कह दिया कैपिटलाइज कर दो तो आप बैलेंस शीट में लिख दोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन ने क्या कहा कि रेवेन्यू नेचर मानना है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में शो कर दोगे। अब सर अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन गिवन ना हुआ तो आप इसको नॉर्मल रेवेन्यू नेचर मान के इनकम साइड में शो कर दोगे, शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नंबर फाइव इज डोनेशन। डोनेशन आपको पता है, चंदा दान। जो भी डोनेशन मिलता है दो तरीके का होता है, जनरल और स्पेसिफिक। अब जनरल यानी कि किसी ने कुछ नहीं बताया, नॉर्मली पैसा डोनेट कर दिया, डोनेशन दे दिया, सिंपल इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर दो। अगर स्पेसिफिक हुआ यानी फिर से चिंता के साथ आया, स्पेसिफिक यानी पर्पस बताया गया होगा, तो जब तक वो पर्पस पूरा नहीं होगा तब तक आपकी लाइबिलिटी खड़ी रहेगी, तो कहां आएगा? बैलेंस शीट। इसके बाद सर लीगेसी क्या होता है? लीगेसी होता है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल किसी मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली गई? क्लब के पास चली गई या किसी एनपीओ के पास चली गई। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्लब का ये नॉन रिकरिंग कैपिटल रिसिप्ट होता है, इसीलिए कहां शो हो जाता है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसके बाद सेल ऑफ एसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में आपको लगभग देखने को मिलेगा। सेल ऑफ एसेट क्या है? कि हमने कोई एसेट क्लब के पास था, उसने सेल कर दिया। अब एसेट सेल कर दिया तो एसेट तो गया, तो इसको बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस कर देना। और अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में शो कर देना, अगर लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देना। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ऑनरेरियम क्या होता है? अब देखो, समझो ऑनरेरियम एक वो पेमेंट है जो कि एक ऐसे इंसान को दिया गया जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लब ने दो दिन के लिए किसी कॉलेज के लेक्चरर को बुलाया कि आप हम दो दिन के लिए जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन्हें किसी भी टॉपिक के बारे में, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी नया आया तो जीएसटी के बारे में आप उन्हें समझाओ, तो उस लेक्चरर को जो फीस दी गई दो दिन के लिए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑनरेरियम। यानी कि एक ऐसा एक्सपेंस जो कि हमारे एक नॉर्मल एम्प्लॉय को नहीं दिया गया है, किसी आउटसाइडर को दिया गया है, उसे हम बोलते हैं ऑनरेरियम। क्लब के लिए एक नॉर्मल खर्चा है तो डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि एक्सपेंडिचर में शो हो जाएगा। तो ये थे गाइस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आई थिंक आपको क्लियर होंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। इंस्टाग्राम का यूजर नेम बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा और मैं ट्राई करूंगा यहां भी दिखा दूं, एज वेल एज इस सभी नोट्स के लिए ये सब मैं क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना 11th के जैसा। अब 11th का ग्रुप सेपरेट कर दिया है और 12th का सेपरेट कर दिया है, तो 12th के सारे डिटेल्स 12th के ग्रुप में आएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना।
अभी आज के लिए इतना ही। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज, इतना सब आपको बताना पड़ता है, तो फिर लाइक जरूर करके जाना और वीडियो शेयर कर देना जैसे आप हमेशा करते हो। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।